काशीपुर में कोरोना संक्रमण की दूसरी प्रचंड लहर में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप में नुकसान जनता को हो रहा है। सुविधाओं के अभाव में जनता दम तोड़ रही है, सत्ता को विपक्ष उसकी कमियां गिना रहा है। बस यही राजनीति हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और समाज सेवी दीपक बाली ने सरकार पर उसकी कमियों पर घेरने के बजाय अपने शहर और क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए अपनी ओर से एक खास पहल की है। उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण भाव ही सबसे बड़ा होता है और आज समाज सेवा के प्रति उस समर्पण भाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके प्रति राजनीति बाद में है और नगर और क्षेत्र की जनता का हित सबसे पहले सर्वोपरि है। जनहित के इन पुनित कार्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन काम में जो भी कोविड अस्पताल चलाने में सहयोग करेगा उसका भी वे स्वागत करते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया कि उन्होंने उन्हें सेवा का मौका दिया है। लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय में 25 बेड का कोविड वार्ड तो था, लेकिन डॉक्टर और टेक्नीशियन न होने की वजह से यहाँ कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किए जाने में दिक्कतें आ रही थी। वहीं कोरोना से पीड़ित मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा था। निजी चिकित्सालयों में पीड़ित जनता अपना उपचार नहीं करा पा रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप नेता दीपक बाली ने शासन प्रशासन को कुछ दिन पहले इस 25 वार्ड के लिए अपनी ओर से स्वयं के खर्च पर डॉक्टर और टेक्नीशियन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रशासन शासन की ओर से मंजूरी मिल गई और आज विधिवत इस वार्ड का शुभारंभ किया गया। दीपक बाली कहते हैं कि कोविड अस्पतालों को चलाने में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ काशीपुर के उप जिलाधिकारी गौरव सिंगल, एलजी भट्ट, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीके सिन्हा आदि का सहयोग सराहनीय है। शुभारंभ अवसर पर जिलाधिकारी गौरव सिंगल ने कहा कि राजकीय चिकित्सालय में जन सहयोग से कोविड के 25 बेड के अस्पताल का शुभारंभ किया गया है, जहां कोविड के मरीजों को उपचार किया जाएगा। उपजिलाधिकारी गौरव सिंगल ने बताया कि इस वार्ड में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दीपक बाली के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए हैं। 25 में से 3 बेड वेंटिलेटर के साथ तैयार होंगे। वहीं आप नेता दीपक बाली ने शासन प्रशासन का धन्यवाद दिया। राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर पीके सिन्हा ने बताया कि फिलहाल मेडिकल नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था हो गई है। आप नेता और समाजसेवी दीपक बाली की ओर से कोविड वार्ड के लिए 2 फिजिशियन डॉक्टर जतिन गर्ग और डॉक्टर सौरभ मयंक, 2 इमरजेंसी चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल रब और एक अन्य तथा एनिस्थितिया डॉक्टर अरुण कुमार जैन, 2 वेंटिलेटर टेक्नीशियन और डॉक्टर अब्दुल मुजिब प्रशासक के रूप में होंगे। एक एम्बुलेंस भी दीपक बाली की ओर से उपलब्ध करा दी गई है और कहीं न कहीं संजीवनी हॉस्पिटल के एमडी मुकेश चावला, कोऑर्डिनेटर तथा मयंक शर्मा के साथ मनोज कौशिक भी देखरेख में रहेंगे। हमें नियुक्त कौन कर रहा है सर? नियुक्त तो हमें ये लोग सरकार सब मिलके ही कर रही है, गवर्नमेंट वगैरह। हमें तो सेवा के लिए रखा गया है, दीपक बाली जी का सहयोग है इसमें, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और हमारे जो संजीवनी हॉस्पिटल के ओनर हैं मुकेश चावला जी, उन्होंने हमसे कहा है तो हम उनका साथ दे रहे हैं। सर किस तरह की व्यवस्था है, अगर मेडिसिन वगैरह की बात करें, वेंटिलेटर की? देखिए व्यवस्थाएं हमसे जितनी बेसिक हो सकती है हमने करने की कोशिश करी है। उसमें मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, हाई फ्लो मास्क हैं और कंसंट्रेटर्स की भी हम कर रहे हैं, वेंटिलेटर भी हैं 2। जितनी व्यवस्था हो सकती है उतना हम प्रयास कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो जिसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और बाली जी को बताएंगे, उसके अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। देखिए सभी के आशीर्वाद से, काशीपुर की जनता के आशीर्वाद से और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से जो प्रस्ताव दिया गया था, ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, एनेस्थीसिया डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, वो सब प्रस्ताव मान लिया गया और वो आज कुछ दिनों से 10-12 दिन से वो फॉर्मेलिटी चल रही थी, औपचारिकता पूरी हुई और आज ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए शुरू हो गया जिनके पास पैसे नहीं हैं। और यह निःशुल्क ही होगा, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के पास थीं और जो नहीं थीं दोनों रिसोर्सेज को मिला दिया गया और ये शुरू हो गया। धन्यवाद है काशीपुर की जनता का। काशीपुर शहर में सरकारी अस्पताल में, लक्ष्मण दास भट्ट अस्पताल में 25 वार्ड का कोविड सेंटर शुरू किया गया है। ये मेनली जन सहयोग से शुरू किया गया है, बाली जी का भी सहयोग रहा है और हमारे सीएमएस साहब, सीएमओ साहब, सीडीओ साहब, डीएम मैडम सबके सपोर्ट से इसको आज शुरू किया जा रहा है। और अभी उम्मीद है कि हमारे शहर के जो मरीज़ हैं, जिनका जो निजी अस्पताल में जाने में सक्षम नहीं है, उनका इलाज हम सरकारी अस्पताल में कर पाएंगे।